इधर से लीक कर रहा है हल्का हल्का, तो अपन ने उसको छोटा मुड़वा के लेके आते हैं। इधर से मुड़वा के लाए हैं अपन जी, इधर ये बढ़ रहा था, इधर इसमें फंसता तो वो फंस ऐसा कुछ लग रहा है। इसको सीधा किया है और नरवा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अपन गए जबलपुर महेंद्र अपने 575 डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए, तो वो लेके आ गए हैं और फिट भी कर दिया, उसमें लगा भी दिया है। तो उसका थोड़ा पाइप अपने पंप कहाँ से लीक कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, तो उसको अपन मुड़वा के लाते हैं, चलते हैं गुटगांव फिर लगवा के आप लोगों से मिलते हैं। और उड़द भी अपने कटने के लिए हो चुके हैं, तो उसको ठेका वगैरह अपन ने दे दिया और देखते हैं कहाँ कहाँ से होगा, तो अपन फिर कटवाते हैं और चलो फिर मिलते हैं खेत में आप लोग। देखिए दोस्तों, इसमें अपन ने डिस्ट्रीब्यूटर लगा दिया है 575 में, और आप लोगों को पहले वीडियो नहीं बना पाए, देख सकते हैं लार्वन कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर। इधर से अपन ने इसका सामने इस कनेक्शन कर दिया, ये होगा प्रेशर डायरेक्ट पंप से आया है, जो इधर से रिटर्न होकर अपने टॉप ऑन चला जाएगा। और ये लगा दिया अपन ने मतलब पुल फंसाने के लिए, और पाइप बड़ा पड़ गया तो उसको कटवाएंगे, वो डला हुआ है। अगर बड़ा पड़ रहा था तो वो इधर बन नहीं रहा था, तो अपन ने वो जैक वाला निकाल दिया, इधर हाइट ज़्यादा आ रही तो वो खिंच रहा है, तो इधर से लीक कर रहा है हल्का हल्का, तो अपन ने वो उसको छोटा मुड़वा के लेके आते हैं। देखिए दोस्तों, लेके आ गए हैं अपन पलाव, फिर जा रहे हैं है। इस कंपनी का नाम नहीं मालूम, पापा जी के नाना जी का है। अगर अपन ने पाइप बनवा दिया था अभी तो मान जा आप लोगों को, चलो चलते हैं कि दोस्तों आ चुके हैं खेत, और अपन इस नरवाई में आग नहीं लगाई है, लेके आ गए पलाऊ, तो ऐसा कुछ लग रहा है। इसको सीधा किया है और नरवाई भी इधर ज़्यादा है, तो दिक्कत आएगी तो आग ही लगा देंगे, आग लगा देंगे इसमें। हालांकि दिक्कत तो नहीं आ रही ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी आ रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी भी देख सकते हैं बड़े बड़े बोल्डर निकल रहे, गीला निकल रहा खेत, उतना गीला नहीं है जितना अपन सोच रहे थे, बाकी तो ठीक है। और ये प्लाव, चलो आपको पाइप दिखा देते हैं, देख सकते हैं इधर से मुड़वा के लाए हैं अपन जी, इधर ये बढ़ रहा था, इधर इसमें फंसता तो वो फंसा था पहले लगा हुआ था, तो इसमें अब नहीं पास कर रहे थे, तो अपन इधर से लीक कर रहा था ये, क्योंकि मोटा है लफनैया, तो अपन ने गैस से गर्म करवा के इसको करवाया है। और अपन घर ही लफाते तो इसको बेंड करते तो पिचकने के ज़्यादा चांस थे, पिचक जाता तो ख़राब हो जाता, इसलिए अपन ने इसको टी लगा दी यहाँ पे। ये लगा है लार्वन कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर, ये प्लाव जो इतना ख़ास नहीं है अच्छा, क्योंकि इसकी सब्बल वगैरह कुछ सब घुड़ चुकी हैं। और कहाँ से लीक कर रहा है, इस बारिश कर रहा है लीक, वासन निकल आया है इसका, टाइट करना पड़ेगा खोल। ठीक है दोस्तों, कर देते हैं टाइट और चला लेते हैं अभी चने में, और चलाना अपन को। ठीक है दोस्तों, चलो करते फिर मिलते। ठीक है दोस्तों, इतना चल गया और ऐसी कुछ गीले निकल रहा है नीचे, कहीं कहीं बहुत कम लग रहा है, कहीं कहीं देख सकते हैं जी एक बीता सुपर लग रहा है, कहीं कहीं कम लग रहा है, जैसे कि जगह ही उठ जाता है एकदम से। और इतना चला अपने ये डला हुआ है, फिर वहाँ पे अपने बंधना में चलना है, और लोड भी ले रहा बहुत ट्रैक्टर, थोड़ा अपन ने सेव कर दिया इसको, तो कम लोड पड़ रहा है इसमें, पहला आंकड़ा था आगे के ज़्यादा लगता था पीछे का कम, इसलिए ज़्यादा लोड ले रहा था, ट्रैक्टर फेंक जाता था इस साइड, जिस साइड भी अपन लाते अंदर साइड फेंकता था, उस साइड से लाओ तो भी अंदर, इस साइड से ले भी जाओ तो भी अंदर फेंकता था। अब अपन ने इसको सेव कर दिया तो वो बढ़िया आराम से चल रहा है, ज़्यादा राउंड भी नहीं मार रहा है, पहले राउंड ही मारता था ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, चला लें फिर मिलते हैं। और यहाँ से थोड़ा आयल लीकेज हो रहा है, देख सकते हैं बह चुका है, इधर से हो रहा है, दूसरी बाल लानी पड़ेगी,
ये मतलब लीक कर रहा है, यहाँ से अभी बुलवा लेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, चलो चल आते फिर मिलते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और ऐसी फार्मिंग की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए राम राम।